हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट यूपी बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार के नियोजित शिक्षकों से संबंधित हर एक छोटी बड़ी अपडेट लगातार मिलती रहे। बिहार में जातिगत गणना की तस्वीर साफ कर दी गई है। डीएम को मिले हैं बड़े अधिकार, शिक्षकों को भी इसमें लगा दिया गया है। शिक्षक लिपिक मनरेगा कर्मी इसमें काउंटिंग करेंगे। आपको बता दें कि जाति आधारित गणना के लिए 8 स्तरों पर अधिकारियों, कर्मियों एवं शिक्षकों की टीम तय कर दी गई है। शिक्षक लिपिक मनरेगा कर्मी आंगनबाड़ी सेविका जीविका समूह के सदस्यों के माध्यम से जाति आधारित गणना का काम किया जाएगा। जिलाधिकारी को स्वतंत्रता दी गई है कि इनमें से किसके माध्यम से वह जाति आधारित गणना का काम कराना चाहते हैं। निगरानी का तंत्र 7 स्तर पर संचालित किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस पूरे ढांचे के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। जाति गणना से जुड़े आंकड़ों को संग्रहण करने के लिए डिजिटल मोड में मोबाइल ऐप के माध्यम से ये किया जाएगा और इससे आंकड़ों के संकलन में सहूलियतें होंगी। प्रगणक के स्तर से उन्हें आवंटित गणना क्षेत्र का नक्शा और लेआउट स्केच विधिवत तैयार किया जाएगा। मकानों को नंबर दिया जाएगा। इसके बाद जाति आधारित गणना के लिए बने प्रपत्र और मोबाइल ऐप में प्रगणक के स्तर से उन्हें आवंटित गणना क्षेत्र का नक्शा और लेआउट स्केच विधिवत तैयार किया जाएगा। मकानों को नंबर दिया जाएगा। इसके बाद जाति आधारित गणना के लिए बने प्रपत्र और मोबाइल ऐप में निर्धारित कोड के साथ आंकड़े भरे जाएंगे। किसी के द्वारा दिए गए व्यक्तिगत आंकड़ों में किसी तरह का बदलाव या फिर छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। कोई भी सूचना किसी से साझा नहीं की जाएगी। गणना का कार्य कोड बुक के अनुसार होगा। अगर कोई व्यक्ति प्रगणक को जानबूझकर गलत जानकारी देता है या फिर जानकारी देने से इनकार करता है तो प्रगणक इसकी जानकारी चार्ज अधिकारी को देंगे। इस संबंध में चार्ज अधिकारी के स्तर पर कार्रवाइयां भी की जाएगी। पर्यवेक्षक को जिम्मेदारी दी गई है कि वह सुनिश्चित करेंगे कि कोई मकान, कस्बा या क्षेत्र कवरेज से छूटे नहीं। चार्ज अधिकारी के माध्यम से पर्यवेक्षक एवं प्रगणक की नियुक्ति होगी। उन्हें यह देखना होगा कि मकानों की नंबरिंग हो और संबंधित इलाके का नक्शा तैयार करें। गन्ना का काम समय पर हो इसे भी सुनिश्चित करना है। अनुमंडल गन्ना अधिकारी 6 गन्ना क्षेत्र के लिए काम करेंगे। 6 गन्ना क्षेत्र पर एक पर्यवेक्षण क्षेत्र भी होगा। और आपको बता दें कि किस तरह से 8 स्तर पर यह व्यवस्था की गई है। तो अपर समाहर्ता जिला कल्याण प्राधिकारी या फिर जिला सांख्यिकी प्राधिकारी होंगे अपर प्रधान गन्ना अधिकारी। दूसरा, अनुमंडल प्राधिकारी होंगे अनुमंडल गन्ना प्राधिकारी। तीसरा, नगर आयुक्त एवं कार्यपालक प्राधिकारी होंगे नगर चार्ज अधिकारी। चौथा, प्रखंड विकास प्राधिकारी यानी BDO होंगे प्रखंड चार्ज अधिकारी। पांचवा, अपर नगर आयुक्त एवं सिटी मैनेजर होंगे सहायक नगर चार्ज अधिकारी। छठा, अंचलाधिकारी यानी CO होंगे सहायक प्रखंड चार्ज अधिकारी। सातवा, पर्यवेक्षक होंगे प्रगणक से एक उच्च स्तर के कर्मी। आठवा, प्रगणक के रूप में शिक्षक लिपिक मनरेगा आंगनबाड़ी एवं जीविका समूह के लोग भी इसमें होंगे। तो दोस्तों, सरकार जो है लिपिक मनरेगा शिक्षक को इस ड्यूटी में लगाएगी। आंगनबाड़ी कर्मियों को भी इसमें काम लिया जाएगा और वही जातिगत जनगणना में पूरी तरह से सहभागिता देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी और भी छोटी बड़ी अपडेट लगातार मिलती रहे।